दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज इस देश की पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के कच्चे चिट्ठे को समझ लीजिए। यह कच्चा चिट्ठा शायद दुनिया में अपने तरीके का अनूठा है, क्योंकि भारत के भीतर में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निगरानी नहीं करता है, बल्कि उसकी निगरानी के ऊपर निगरानी राजनीतिक सत्ता ही करती है। और शायद इसीलिए कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो शेयर बाजार का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री और कॉरपोरेट घराने के फायदे या घाटे से जुड़ी हुई परिस्थिति हो, सब कुछ इस देश की राजनीतिक सत्ता ही चलाती है। और जब देश के भीतर में RBI जैसी संस्था, SEBI जैसी संस्था और सुप्रीम कोर्ट भी अगर सरकार के अनुकूल लगने लगे, तब ये मानकर चलिए कि उस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता अर्थव्यवस्था के लिए पारस का काम करती है। यानी राजनीतिक सत्ता के हाथ जिस पर पड़ गए वह सोना हो गया। वो कॉरपोरेट हो, वो इंडस्ट्रियल घराना हो, वो बिजनेस का घराना हो, या कोई भी सेक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह राजनीतिक सत्ता के अनुकूल ही रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के भीतर में हर व्यक्ति तक अगर इस बात को पहुंचाना है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र शानदार तरीके से मोदी सत्ता जी रही है, मोदी सत्ता लागू कर रही है, तो फिर एक प्रचार का तंत्र होता है। और प्रचार के तंत्र के जरिए जब एक ही बात बार बार आपके सामने आएगी तो आप कहेंगे यकीनन इकोनॉमी में गड़बड़ी क्या है, शेयर बाजार शानदार है, आज नहीं कल 50,000 के BSE का सेंसेक्स उस आंकड़े को छू लेगा जो असंभव सा लगता था। इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन भी पहुंच जाएगी और इस देश की बैंकिंग स्थिति बहुत ही शानदार है, इतने खाते खुल गए, इतना पैसा जमा हो गया, लोगों के पास डायरेक्ट पैसा जा रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। और इसको हट के अगर कोई शिकायत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो सुप्रीम कोर्ट भी उस केस को ठंडे बस्ते में डाल दे, तब क्या होगा? इस देश के भीतर का एक अनूठा सच यह है कि यहां कोई अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक पोंजी स्कीम की तरह हमारी इकोनॉमी को डेवलप बीते 6 बरस में कैसे किया गया है, आज इसी का कच्चा चिट्ठा हमें लगता है आपको समझना होगा। और इसके लिए हमको लगता है GDP भी देखिए, शेयर बाजार भी देखिए, बैंकिंग सिचुएशन को भी देखिए। इन 3 सिचुएशन के जरिए आप समझ पाएंगे। और उसके बाद जब ऐसी हालत होगी तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट जो 9% से ऊपर हो चला है, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी दर जो लगभग 10% से ऊपर हो चली है, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश का बंटाधार या इस देश की कंगाली की स्थिति को लेकर क्यों हम लोग भीतर से बेचैन हैं। और इस देश के एग्रीकल्चर को भी सरकार क्यों उस मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहती है जिस मार्केट इकोनॉमी पर कब्जा इस देश के कॉरपोरेट और पैसे वालों का है, जबकि सच ये है इस देश की पॉलिटिकल इकोनॉमी फेलियर दर फेलियर इस तर्ज पर होती चली गई है कि यहाँ की बैंकिंग सिस्टम चरमरा गई, यहाँ के इंडस्ट्रीज नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, लेकिन एग्रीकल्चर पॉजिटिव रहा क्योंकि वह सरकार के कानून के तहत बाजार इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बना था और पहली बार 3 कानून के जरिए उसको हिस्सा बनाने की स्थिति में सरकार आ चुकी है। यानी इस देश में पैसे की लूट कैसे होती है और उस लूट को मुनाफे में दिखाकर कैसे अपने नेटवर्थ को बढ़ाया जाता है और देश कैसे भीतर से खोखला होते चला जाता है, हमको लगता है कि आज इसी कच्चे चिट्ठे को आप समझ लीजिए। इस देश की GDP -7.7% रहेगी, इस बात का जिक्र RBI ने अपने तौर पर कर दिया है। और RBI ने इससे पहले कहा था लगभग -7.9% रहेगी, SBI ने कहा था -7.4% रहेगी, लेकिन सच यह है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है जी नहीं 9.6%, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF कहता है 10.3% और दुनिया भर में जो मापक संस्था है मूडीज उसका कहना है 10.6%। आंकड़े इधर सुधर करने हमने कह दिया तो आप इसको दिखाएंगे ही, प्रचार करेंगे ही, सरकार का कहना है -7.7 रहेगी तो आप मानकर चलिए इतना रहेगा। लेकिन आइए इसके भीतर की परिस्थिति को समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जो GDP का पूरा आकार है वह GDP का आकार ही सिकुड़ जाएगा। यानी पिछले बरस तक वो आकार लगभग 145 लाख करोड़ था, इस बार वो घटकर 134 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी 11 लाख करोड़ की उसमें कमी आने वाली है। ये पहले राउंड में हो गया, इतना पैसा कहाँ चला जाएगा और क्यों आपने चीज़ों को पटरी पर लेकर नहीं आए, ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए। दूसरी स्थिति देखिए कि किस किस फील्ड में इस साल जब हम लोग महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन की परिस्थितियाँ थी, प्राइवेट कंजम्पशन जो था वो -9% हो गया। यानी जो खरीद थी हम लोग जो कंज्यूमर क्लास थे उसमें -9% यानी 9% नेगेटिव में चला गया, कंज्यूमर के पास कुछ देने के लिए नहीं है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 12.6% नेगेटिव हो गया, -12.6%। ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इसमें लगभग -21% तक चला गया। मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन यह -9.4 तक चला गया, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर ही था जो +3.4 रहा, जिसके ऊपर किसान काम करता है, जिस पर अभी सरकार की बंदिशें लागू नहीं हुई है।
वहां पर किसी तरीके से कॉर्पोरेट ने पूरा कब्जा नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की दिशा में यह देश पूरी तरीके से नहीं गया है। उस एग्रीकल्चर ने दिखाया कि उसकी विकास दर पॉजिटिव है और सिर्फ एग्रीकल्चर की ही विकास दर पॉजिटिव रही। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जो हमारी पूरी इकोनॉमी को दिखाया जा रहा है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र का डाटा अभी शामिल नहीं हो पाया है, जो इस दौर में डाटा आने वाले वक्त में आएगा। लेकिन दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां पे लगभग 90% असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर काम करते हैं। वहां पर लगभग 6 करोड़ से ज्यादा छोटी मोटी जो इकाइयां हैं वो काम करती हैं, और उसका डाटा नहीं आया, जो कि पूरे तरीके से इस दौर में धराशायी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा था प्रवासी मजदूर कैसे लौट रहे हैं। यह एक पहली स्थिति बतलाती है कि इस देश के भीतर में जो भी पैसा जिनको दिया गया उससे इस देश की रास्ता नहीं निकला। जैसे कॉर्पोरेट का टैक्स कम किया गया 1,40,000 करोड़, जो 22% कर दिया गया 30% से कम करके। एमएसएमई को जो पैसा दिया गया, हर किसी को सरकार ने जो भी पैसा दिया पैकेज के तौर पर, उसने पैसा अपने पास रखा, उसने बाजार के रोटेशन में पैसा नहीं लगाया कि इकोनॉमी बढ़ने लगे। यहाँ पर एक सवाल हर जहन में होना चाहिए, भारत 1980 से ठीक पहले तक इस देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर ही महत्वपूर्ण थी। इसीलिए जब जब क्राइसिस आया है भारत के भीतर में, उस क्राइसिस की वजह सूखा पड़ना है, बारिश ना होना। इसीलिए अगर आप उस दौर में चले जाइएगा और उसका उस दौर के कुछ आंकड़े हमारे पास न हैं, जिसमें आप देखिएगा 1951, 1965, 1966, 1971, 1972, 1979, इस समय क्या हुआ था? पर्याप्त बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया, विकास दर प्रभावित हो गया। लेकिन भारत के भीतर में ना तो हम इतनी सिंचाई की व्यवस्था दे पाए हैं, ना एग्रीकल्चर को वह इकोनॉमी दे पाए हैं। तो वह इंद्र भगवान ही प्राइम मिनिस्टर है, वही फाइनेंस मिनिस्टर है और वही एग्रीकल्चर मिनिस्टर है इस देश में किसानों का। तो अगले साल बरसात ठीक हो गई तो हमारी विकास दर फिर से पटरी पर आ गई। यानी भारत में कृषि की भागीदारी जीडीपी पर जो असर डालती रही, उस असर को धीरे धीरे कम किया गया, या वो कम हो गया अब जिस रूप में भी समझे, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी ने जिन पे कब्जा करना था उसमें सर्विस सेक्टर था, उसमें इंडस्ट्री थी, और इनको धीरे धीरे आगे बढ़ाया, एग्रीकल्चर धराशायी होती चली गई। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर तबाह भी हो जाती है तो भी जीडीपी पर उसका असर 2% से ज़्यादा नहीं पड़ता है। यानी 40% खेती अगर इस देश में तबाह हो जाए तो हमारी जीडीपी पर असर पड़ेगा सिर्फ 2%, लेकिन 40% अगर हमारा इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर तबाह हो जाए तो हमारा जीडीपी नेगेटिव में आ जाता है। यह है इस देश की सिचुएशन। अब यहां पर आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए, इसका मतलब है कि हमारा जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो रिफॉर्म का स्ट्रक्चर है, जो मार्केट इकोनॉमी है, वो फ्रॉड तो नहीं है कहीं? यकीनन यहीं से सवाल खड़ा होता है, वो कितनी फ्रॉड है और उसके जरिए पैसे से पैसा बनाने की परिस्थितियां ही इस देश में डेवलप की गई, और उसका शानदार चेहरा या शानदार बैरोमीटर शेयर बाजार है। पैसे से पैसा आप बना सकते हैं, लेकिन उस पैसे को आप इन्वेस्ट कहां करेंगे? बैंक में इंटरेस्ट आपको मिल नहीं रहा है, सेविंग में 2-3%, आपको FD भी करते हैं तो वहां भी आपको 5% से ज्यादा नहीं मिल रहा है। अगर आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो पैसा मान लीजिए कुछ बढ़ भी रहा है तो बढ़े हुए पैसे को आप कहां लगाएंगे? हमारा कंस्ट्रक्शन चौपट है, रियल इस्टेट चौपट है, इंडस्ट्री चौपट है, कोई भी सेक्टर चौपट है, तो पैसा लगाएंगे कहां पर? पैसा तो वहीं लगाया जाएगा जहां से पैसा बनेगा, और पैसा जहां से बनेगा वो कहां है? एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, वहां से हम पैसा बना सकते हैं। अब यहां पर सवाल है कि आप जरा सा शेयर बाजार में कूद चलिए, क्योंकि शेयर बाजार की स्थिति इसलिए समझने की आज ज्यादा जरूरत है क्योंकि इस शेयर बाजार का सेंसेक्स जो है कुलांचे मारते हुए 49,000 तक पहुंच गया है। लेकिन सच क्या है? सच बड़ा साफ है, इस दौर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि भारत का रुपया कमजोर है, डॉलर लगाइए ज्यादा बड़ी कीमत में पैसा कमा के ले जाइए। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका जैसे देश में भी अब वहां पर जब डेमोक्रेट्स सीनेट्स में भी मजबूत हो गए हैं तो वहां पर अब करेंसी मार्केट में और लाई जाएगी, जिसका जिक्र वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है। सवाल लेकिन भारत के शेयर बाजार में आइएगा तो दिसंबर के महीने में यानी बीते महीने में ही जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसने कितने शेयर खरीदे? लगभग 62,000 करोड़ के शेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने खरीदे, और जो घरेलू संस्थागत निदेशक थे जिसको अंग्रेजी में DII कहते हैं, उसने लगभग 37,000 करोड़ के शेयर बेच दिए, उन्होंने खरीद लिए। इसका मतलब है कल अगर वो फुर्र हो गया तो भारत का शेयर बाजार फिर नीचे आ जाएगा। अब सवाल है कि क्या विदेशी निवेश के जरिए ही पूरा शेयर बाजार चल रहा है और यहाँ की स्थिति नाजुक है? हमको लगता है यह भी समझने की जरूरत है। और जब एक विज्ञापन आता है टेलीविजन पर म्यूचुअल फंड का, सही है, तो ये सही है का संकट क्या है? अगर आप ध्यान दीजिएगा, सही है में यानी दिसंबर के महीने में जो निवेश हुआ है वो नवंबर के महीने से कम हुआ है। नवंबर में म्यूचुअल फंड में जो रिडम्पशन हुआ था, जो पैसा निकाला गया, वो तकरीबन 12,917 करोड़ था, दिसंबर के महीने में 10,147 करोड़ है।
लेकिन इसका दूसरा हिस्सा यह है कि दिसंबर के महीने में जो निवेश ओवरऑल हुआ है वह लगभग 26,000 करोड़ का हुआ है, लेकिन जिन्होंने निकाला है वो लगभग 36,000 करोड़ रुपये निकाल लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निवेश से पैसा इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि लोगों को जरूरत चाहिए। अब वो कोई बहुत बड़ा मुनाफा नहीं है। मुनाफा अगर आप निकालते हैं या मुनाफा अगर हुआ भी हो तो पैसा लगाने के लिए बाजार में कोई प्लैंक होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। यहाँ तो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, सत्ता जिस पर हाथ रख दे वह सोना हो जाएगा, जिससे हाथ खींच ले वह तबाह हो जाएगा। इस स्थिति में हमारी इकोनॉमी चल रही है। इसीलिए इस दौर में 2-3 इंस्टीट्यूशन ही जिसका जिक्र बार बार लोग कहते हैं कि अंबानी है, अंडानी है, इस दौर में टाटा भी आ गए हैं, जो भी ब्लू वाइट बॉय सरकार के रहेंगे उनको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी और वो सरकार को इस हाथ से लेंगे उस हाथ से लौटाएंगे। सरकार भी इस हाथ से देगी उस हाथ से खींच लेगी जो एग्रीकल्चर में उसने किया है। जितना दिया नहीं उससे ज़्यादा इनपुट कॉस्ट बढ़ा दिया और किसानों के हाथ में कुछ नहीं आया। इस दौर के भीतर में जो सबसे बड़ा फंड हाउस जिसको हम लोग कहते हैं वो SBI का म्यूचुअल फंड हाउस है, जो 5,00,000 करोड़ पार कर गया, वो 8.3% की उसकी ग्रोथ है। लेकिन इसका दूसरा सच ये है 1,00,000 करोड़ से ज्यादा इसमें NPA है। अब यहीं से असल सवाल शुरू होता है कि इस देश के भीतर में जो हम लोग जिक्र करते हैं ना कॉरपोरेट का और जो बड़े इंडस्ट्रिस्टों का जिक्र करते हैं, उनकी अपनी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। वह इस देश की जनता की पूंजी को लेकर ही वो इंडस्ट्रिस्ट हैं और कॉरपोरेट हैं। इस देश की जो पूंजी बैंकों में जमा थी उसको भी आज समझने की कोशिश कीजिए, वह भी कैसे ट्रांसफर की गई और उसी के जरिए कॉरपोरेट बड़ा दर बड़ा होकर चला जाता है। कर्ज में दबे रहते हैं लेकिन उनका नेटवर्थ बढ़ते चला जाता है, मुनाफा। लेकिन ये सारी चीज़ें टेढ़ी नज़र से निर्देश बड़ा साफ होता है, इनसे आप टैक्स मत वसूलिएगा, इनको आप कहीं भी इस रूप में मत लेके आइए कि मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाएं, ED वाले इनके घर चले जाएं या इनकम टैक्स इनसे वसूली होने लगे, ऐसा मत कीजिएगा। सामान्य रहिए क्योंकि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम इनके लिए कानून बना रहे हैं। इस स्थिति में चीजें आकर खड़ी हो जाती हैं। इस देश के भीतर में जो सबसे बड़ा फंड हाउस जब हमने आपसे SBI कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहा, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा शाखाएं देश में SBI की है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जमा होता है और वहीं से सबसे ज़्यादा लोन जो दिया जाता है वह इस देश के कॉरपोरेट्स को दिया जाता है। इसमें एक शानदार चीज़ हमको लगता है, एक उदाहरण आपको आज बताना चाहिए, एक खास तौर से एक उदाहरण, जैसे भारत के भीतर में एक उदाहरण अगर आपको दिया जाए, एक उदाहरण रुचि सोया का है। रुचि सोया जो है एडिबल ऑयल बनाती है। एडिबल ऑयल के तहत ये रुचि सोया 1985 में कंपनी बनी थी, लेकिन 2017 में यह NCLT में चली गई, जहां पर कहते हैं कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस के भीतर में आ गई, जहां इसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और उसके बाद किसी कोई दूसरा उसको खरीद सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, रुचि सोया के ऊपर 12,000 करोड़ का कर्ज था, वह चुका नहीं सकती थी तो उसने खुद को दिवालिया किया और चली गई NCLT में। वहां पर उसकी बोली लगी और बोली लेने वाले ने जो बोली में मिला उसको मिला 4,350 करोड़ में। यह मिला पतंजलि को। रुचि सोया जिसकी कंपनी थी उसके ऊपर 12,000 करोड़ का कर्ज था, उसमें बड़ी तादाद में SBI का भी कर्ज था, उसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी कर्ज था, उसमें DBS बैंक का भी कर्ज था। SBI ने रुचि सोया को कर्ज दिया, रुचि सोया दिवालिया हो गई, SBI समेत कई बैंकों ने दिया। उसके बाद जो NCLT में जाके जिस कंपनी ने बिड लगाई और जिस कंपनी को मिल गई उसने फिर लोन SBI से ले लिया या कुछ और बैंकों से ले लिया। यानी एक हाथ से दिया गया, उसने पैसा अपने हाथ में रखा, खुद को दिवालिया किया, दूसरी कंपनी आई उसने उसको सस्ते में खरीद लिया और सस्ते में खरीद के उसने भी लोन बैंक से लिया। ये कैसी चक्करगिन्नी है इस देश के भीतर में और इसको कोई रोकता क्यों नहीं है? यहाँ पर जब आप अध्ययन कीजिएगा कि बैंक किनको किनको लोन दे रहा है, खास तौर से NCLT के जरिए जिनको पास जो पूरा प्रोसेस जब होता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो होता है उसके जरिए जिसको भी मिलता है, वह कंपनी सरकार के अनुकूल या सरकार के करीब क्यों होती है? पॉलिटिकल इकोनॉमी का दूसरा नियम, अगर आप सरकार के अनुकूल है तो बैंक भी आपके लिए काम करेंगे और बैंक आपको पैसा दे देंगे। यहां पर एक सवाल और जो हमने शुरू में ही जिक्र किया था, SEBI की निगरानी शेयर बाजार पर है, RBI की निगरानी भी शेयर बाजार पर है और बैंकिंग प्रोसेस पे भी है। लेकिन सही मायने में जो मोदी गवर्नमेंट कहती है कि हमने इस देश में इतने बैंक के ब्रांच खोले, हमने इतने अकाउंट्स बढ़ा दिए, हमने इतना अमाउंट बढ़ा दिया, हमने इतने लोगों को रोजगार दे दी, तो आज मापदंड के तौर पर सिर्फ बैंक को लेते हैं। बैंक यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल का 5 साल का बैंक और मोदी सरकार के कार्यकाल का 5 साल का बैंक, 2014 से 2019, 2009 से 2014, जरा इसको परख लीजिए तो कुछ चीजें और आपको साफ होगी कि इस देश के भीतर में पॉलिटिकल इकोनॉमी और प्रचार का मतलब होता क्या है, क्योंकि बैंकिंग प्रचार तो जबरदस्त तरीके से इस दौर में किया गया। भारत के भीतर में मनमोहन काल में कुल बैंक के ब्रांच जो थे वो 39,707 ब्रांच नए खुले 2009 से लेकर 2014 तक, जब तक मनमोहन सरकार थी 39,707 बैंक के ब्रांच खुले। मोदी गवर्नमेंट में 2014 से 2019 तक 28,969 बैंक यानी तकरीबन 11,000 बैंक कम खुले।
आप कहेंगे बैंक भी कम खुले, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जो अकाउंट्स खुले जिसमें जनधन अकाउंट का भी जिक्र बार बार होता है, हमने जब एवरेज लगाना शुरू किया तो मनमोहन सिंह के काल में एवरेज निकालिएगा तो लगभग वो 5 साल में लगभग 50 करोड़ खुले हैं और यहां पर लगभग 74 यानी 24 करोड़ ज्यादा खुले हैं। अच्छी बात है ये, लेकिन इसके भीतर का सच आइएगा जब आप अमाउंट्स में आइएगा कि कितना अमाउंट था, तो पता चलेगा कि अकाउंट के भीतर में जो अमाउंट्स रेंग रहे थे वह उस 4 वर्ष में लगभग 32,000 करोड़ था और मोदी सरकार में ये 46,000 करोड़ है। लेकिन एवरेज के तौर पर जब आप चीज़ों को डिवाइड करना शुरू कीजिएगा कि कितना अकाउंट में कितना पैसा था, तो आपको जानकर हैरत होगी कि मनमोहन सिंह के काल में प्रति अकाउंट 781 रुपये 99 पैसे जो नए अकाउंट खुले, और मोदी काल में जो नए अकाउंट खुले उसमें 632 रुपये 81 पैसे यानी यहाँ भी लगभग 150 रुपये कम थे मनमोहन सिंह सरकार में, ज़्यादा थे मोदी काल के जरिए। अकाउंट का ज़्यादा खुलना और अमाउंट का कम होना एक हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा ब्रांच भी कम खुले, यहीं से तीसरी स्थिति शुरू होती है कि बैंकिंग एक ऐसी स्थिति है भारत के भीतर में रही है जो सबसे ज़्यादा नौकरी देती है, और नौकरी कितनी देती है वो हमने उसका जब हिसाब किताब लगाया तो पता चला कि मोदी काल में कुल 5 साल में नौकरी मिली है 21,910 बैंकिंग सेक्टर, लेकिन मनमोहन काल में के 5 साल में मिली है 50,767 एम्प्लॉयमेंट हुआ है वहां पर यानी 50,767। ये प्रति साल का एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि 50,767 हर साल यानी 5 साल में मनमोहन काल में 2,03,070 नौकरियां थी, मोदी काल में 1,09,553 नौकरी थी 5 साल में, यानी लगभग 21,000 प्रति साल मोदी सरकार नौकरी दे रही थी, मनमोहन सरकार 50,000 नौकरियां प्रति साल दे रही थी। ये बेसिक अंतर है जब हम रोजगार का आपसे जिक्र कर रहे हैं कि रोजगार की स्थिति क्या हो गई है या क्या होनी चाहिए। इसके बाद सवाल है कि अगर रोजगार की ये स्थिति है तो आप सीधे सीधे इम्प्लॉयमेंट पर आ जाइए, क्योंकि हमने इम्प्लॉयमेंट पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम उस इकोनॉमी के आंकड़ों में फंसते चले गए जहां पे इस देश की जनता कितनी बड़ी बेरोजगारी को झेल रही है उसका अंदाजा सरकार ने आंखें मूंद ली। सरकार बंगाल चुनाव में फंसाएगी जहां सबसे ज्यादा खर्च करने वाली है, और ये खर्चा किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप को लेकर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री के सेटअप से भी ज्यादा बंगाल चुनाव में बीजेपी पैसे को झोंकने वाली है। लेकिन बीजेपी उस पैसे को कहां से लाएगी, उन्हीं इंडस्ट्रीज से लेकर आएगी जो इंडस्ट्रीज ने बैंक से लोन लिए थे और खुद को दिवालिया घोषित किया, या जिन्होंने बैंक से लोन लेकर सस्ते में NCLT से कंपनियों को अपने हाथ में ले लिया, या फिर जो कंपनियों को लगातार अलग अलग तरीके से सरकारी सौदेबाजी मिलते चली जा रही है, तुम विस्ता बनाओ जी, तुम ये फला कॉरिडोर बनाओ जी, जिनको मिल रही है वही पैसा शिफ्ट पॉलिटिकल पार्टी में और वही इलेक्शन में शिफ्ट। ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक अनूठा रास्ता है। तो बंगाल इलेक्शन में क्या होगा, लेकिन रोजगार का सवाल, रोजगार के सवाल में जानिएगा तो नवंबर से दिसंबर के बीच में लगभग 1,13,00,000 नौकरियां खत्म हो गई। नवंबर में अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के भीतर में 2,74,00,000 था, दिसंबर में ये बढ़कर 3,87,00,000 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है, जो देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 9.1% है, अर्बन के क्षेत्र में लगभग 8.8% है, लेकिन पहली बार रूरल उसको लीड कर गया है, रूरल क्षेत्र में 9.15% की रफ्तार से है, जबकि मनरेगा वहां पर है, आप तमाम तरह की चीज़ों को वहां दे रहे हैं, यानी हमने एग्रीकल्चर और इस देश के रूरल इंडिया को बर्बाद करने की दिशा में जो कदम बढ़ाया है वह अपने उस रिफॉर्म से जोड़ दिया है जो रिफॉर्म पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पर पार्टी को फायदा पहुंचा दे और राजनीतिक सत्ता के पास वो पूंजी आ जाए, चाहे वो तबाह हो जाए, और तबाह होने का असर GDP में दिखाई नहीं देगा। जो हमने आपसे जिक्र किया, हमारी GDP में 14% ही एग्रीकल्चर का योगदान है, लेकिन उसी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी के जरिए जो कॉरपोरेट कमाते हैं वो एक अलग हिस्सा है, वो लगभग 30-35% आएगा आप जब जोड़ना शुरू कीजिएगा। उसमें सारी चीज़ें हैं, उसमें सारी फैक्ट्रीज है जो एग्रोफील्ड से जुड़ी हुई है, उसमें सारे के सारे इंश्योरेंस सेक्टर जो कि किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों को जो पैसा देते हैं, और फिर अलग अलग, चाहे वो ट्रैक्टर बेचने वाला हो, चाहे बीज बेचने वाला हो, चाहे खाद बेचने वाला, वो एक अलग हिस्सा है। जो हमारे यहाँ एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट जो लगातार बढ़ रहा है उसकी तादाद ये हो गई है कि 3,33,00,000 अनएम्प्लॉयमेंट 2019-20 में जो था वह बढ़कर मार्च का जो आखिरी डाटा आया था उसमें ये लगभग पहुंच गया था 3.79 करोड़, और अब उसमें भी बढ़कर ये 3.87 करोड़ तक हो चला है। इसका मतलब है कि हमारे पास रोजगार नहीं है क्या? रोजगार वाकई नहीं है, क्योंकि रोजगार का आंकड़ा भी जो सरकार का निकल कर आया वह भी डराने वाला है। नवंबर के भीतर में और दिसंबर के भीतर में हम लोग लगातार नीचे जा रहे हैं, जो रोजगार दे पा रहे हैं उसका डाटा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी आप जोड़ लीजिएगा तो लगभग 39 करोड़ लोगों को रोजगार नवंबर में दे पा रहे थे, अब लगभग 38 करोड़ को हम दिसंबर के महीने में दे पा रहे हैं, यानी वह भी कम हो रहा है।
इसका अगला मतलब जो है, जो बहुत घातक स्थिति है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो उस समय क्या हुआ था कि जर्मनी की एक चॉकलेट बनाने की कंपनी थी, वो चॉकलेट बनाने की कंपनी भी हवाई जहाज के लिए कलपुर्जे बनाने लगी, उसी की जरूरत थी। तो भारत में महामारी के दौर में बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वह मान लीजिए मास्क बना रही थी, वह हाथ धोने का साबुन बनाने लगी। लेकिन ये प्रोसेस में, और प्रधानमंत्री ने भी मन की बात से लेकर राष्ट्र के संबोधन में कई बार इसका जिक्र किया कि हम लोग कमाल कर रहे थे उस दौर में, लेकिन इकोनॉमी इससे नहीं चलती है। इसके जो हिस्सेदारी भी दी गई, जब हमने उसको भी टटोलना शुरू किया कि आखिर जिनको टेंडर मिल रहा था या जिनको बोला जा रहा था कि आप साबुन बेचिए, आप मास्क बेचिए, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को जो ठेका दिया जाता था, वो ठेके का लिंक भी पॉलिटिकल था। यानी हमने जिसको भी ठेका दिया, जो कि करोड़ों में था, इतने करोड़ का ठेका आपको दिया जा रहा है, वह ठेका भी पॉलिटिकल लिंक के हिसाब से दिया गया, और उसके फिर सब ठेके हो गए, फिर उसका सब ठेका हो गया, फिर उसका सब ठेका हो गया, और आखिर में पता चला इस देश की छोटी छोटी कंपनियां और छोटे छोटे व्यापारी और छोटे छोटे रिटेल सेक्टर में भी लोग उसी को लग गए। इसीलिए आपको सड़क किनारे भी आज की तारीख में मास्क बेचते हुए, गाड़ी रोक कर दुकान सजाए हुए लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ये? इसलिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कोई दूसरा काम हो ही नहीं रहा था, और जो इकोनॉमी में काम हो रहा है वह शेयर बाजार का काम हो रहा है, बैंकिंग प्रोसेस का काम हो रहा है, और इसमें पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, इसी दिशा में लगातार सरकार बढ़ती चली जा रही है। आखिरी मतलब जो इस पूरी प्रक्रिया का आपके जहन में आना चाहिए, उसके लिए एक उदाहरण हमको लगता है नोएडा को आप ले सकते हैं। दिल्ली से सटा हुआ इलाका नोएडा है। नोएडा पहले मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जाना जाता था कि यह मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसके बाद इसको मैन्युफैक्चरिंग हब से यह शिफ्ट हुआ और सर्विस हब में चला गया। उसके बाद यह बीपीओ हब में चला गया, और उसके बाद ये बिल्डर लॉबी के हिस्से में चला गया। और आज की तारीख में इमारतें खाली पड़ी हैं, बीपीओ ठप पड़े हैं, छिटपुट फ्रॉड बीपीओ आपको काम कुछ करते हुए नजर आएंगे, कुछ जेन्युइन भी होंगे, लेकिन सर्विस सेक्टर ठप पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो नहीं पा रही है, अब आपको लेबर नोएडा में नहीं मिलेगा। यानी किस तरीके से पूरी इकोनॉमी धराशायी होती है, उसका एक चेहरा ये है। और जो चेहरा इस पूरे प्रोसेस में जो हमें बतलाया गया प्रचार माध्यमों के जरिए कि भारत के बैंक जो हैं उनका ग्रोथ किस तेजी से हो रहा है, ये हमको बार बार बताया गया, लेकिन सच ये है कि भारत के भीतर में बैंकों ने उन्हीं को पैसा दिया जो पैसा नहीं लौटाते या जो सत्ता के करीब थे। इसमें आखिरी हिस्से में अगर एग्रीकल्चर का जिक्र कीजिए, तो एग्रीकल्चर को लेकर भारत ने ये बैंकों के हाथों में तंगी रही। मसलन जो कुल कर्ज दिया गया बैंकों के जरिए बीते 6 वर्ष में, 2005 वर्ष में, 2014 से 2019 तक के बीच में, एग्रीकल्चर को दिया गया लगभग 13 से 15% के बीच में, और यह एनपीए में जो तब्दील हुआ, इसका जो 9 to 11% यह एनपीए में तब्दील हो गया। एग्रीकल्चर का भी पैसा लेने वालों ने कुछ पैसा नहीं लौटाया। लेकिन दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसको कर्ज दिया गया लगभग 35 से 45% ओवरऑल कर्ज में से 35 से 45% इसी को कर्ज दिया गया, ये एनपीए में तब्दील हुआ। 65 to 75% लोगों ने पैसा ही नहीं लौटाया तो वह एनपीए में तब्दील हो गया। सर्विस सेक्टर में लगभग 21 से 28% पैसा दिया गया कर्ज के तौर पर, जो 12 से 17% एनपीए में तब्दील हो गया। प्राइवेट लोन्स भी दिए गए, वह भी तकरीबन 10 से 21% ओवरऑल जो कर्ज बैंक से दिए जाते हैं वो प्राइवेट लोन्स में दिए गए, वह भी 4 to 8% एनपीए में तब्दील हुआ। लेकिन ओवरऑल 6 साल के एनपीए को देखिएगा, एनपीए यानी पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं, यानी बैंक कंगाल हो रहे हैं, बैंक खाली हो रहे हैं, जनता का पैसा बैंकों ने जिनको दे दिया है, तो किस किस फील्ड में कितने कितने पैसे दे दिए गए। इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो पूरा एनपीए है वो लगभग 61% है, सर्विस सेक्टर में लगभग 20.5% है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 11.24% है। एग्रीकल्चर बहुत नीचे आ गया, यानी सरकार ने पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो पूरी जमीन तैयार की है उसमें अगर अब आप माइन्यूटली देखें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इस देश का रूरल इंडिया और इस देश के अंडर डेवलप स्टेट्स जिसमें बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है, उड़ीसा का हिस्सा है, यह ऐसे रॉ स्टेट हैं जहां पर खनिज संसाधनों की लूट, जहां पे एग्रीकल्चर लैंड की लूट, जहां के एग्रीकल्चर की लूट, यह अगर उस मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा हो जाती है जिसके लिए सरकार रिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल करती है और कॉरपोरेट के अनुकूल स्थिति को क्रिएट करती है, तो यकीन जानिए कि भारत की इस पॉलिटिकल इकोनॉमी के भीतर आने वाले वक्त में ठीक उसी तरीके से खेती खत्म हो जाएगी, किसान खत्म हो जाएंगे, जो आज की स्थिति इंडस्ट्रियल बेल्ट की है, जो कंस्ट्रक्शन बेल्ट की है, जो बिल्डर्स बेल्ट की है, जो कम्युनिकेशन की है, जो होटलिंग की है, सारे सेक्टर्स नेगेटिव में है। एग्रीकल्चर को भी नेगेटिव में लाया जाए लेकिन उसकी पूंजी को सीधे ढकेल के ले आया जाए उस बाजार में जहां पर नीड चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।